भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि आप सोचते हैं कि आपकी सीमा से बाहर हैं यह इंद्रियां, तो आप गलत सोचते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मिथ है, मिथ्या बात है कि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। इंद्रियों पर नियंत्रण होता है और हो भी सकता है यदि मनुष्य चाहे। आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। यदि मेरा हाथ कहे कि मैं पूरे शरीर पर नियंत्रण पा लूंगा और मेरा शरीर मुझ पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो गलत है। आपका शरीर हाथ पर नियंत्रण रखता है, आपकी आंखों पर नियंत्रण है, नासिका पर है। आंखें कहाँ देखें, हाथ कहाँ जाएं? एक हाथ इतना पावरफुल कभी नहीं होता कि पूरे शरीर को कंट्रोल कर ले। ये इंद्रियां इतनी पावरफुल नहीं होती कि यह हमारे मन को, बुद्धि को और हमें भी नियंत्रित कर लें। यदि हमने ही बागडोर दे रखी है तो बात ही अलग है। हम कंट्रोल कर सकते हैं। कमजोर हम नहीं, परंतु एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर बिल्कुल नहीं हैं। यह आत्मा बलवती है, ताकतवर है, ताकत है इसके अंदर। उस ताकत का प्रयोग कीजिए। जब तक आप अपनी ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक सफलता कभी नहीं मिलेगी। अपने भीतर की शक्ति का उदय कीजिए। आप ना तो निर्बल हैं, ना कमजोर हैं, ना ही आप दयनीय हैं। आप में ताकत है, उस शक्ति को जगाइए। उस शक्ति को जैसे जैसे हम जगाते जाते हैं, हमारे अंदर अपने आप ही वो बात आ जाती है कि हम जितेंद्रिय हो जाते हैं। तो जितेंद्रिय मनुष्य हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पेड़ को आप देखें तो छोटे छोटे पत्ते होते हैं। उन पत्तों को यदि देखें तो पत्ते अटैच होंगे छोटी सी ब्रांच से। ब्रांच अटैच होती है बड़ी ब्रांच से, और वह ब्रांच फिर जो मेन तना होता है उससे अटैच होती है, और जो तना है वह नीचे की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनसे अटैच होता है। तो पत्तों से ज़्यादा ताकत उस छोटी ब्रांच में होती है, छोटी ब्रांच से बड़ी ब्रांच में ज़्यादा ताकत, बड़ी ब्रांच से तने में ताकत, और तने से ज़्यादा ताकत रूट में। तो यदि एक पत्ता बोले कि मैं पूरे शरीर पर नियंत्रण कर लूँगा, तो यह झूठ है। ये पूरा जो वृक्ष है यह पत्ते पर नियंत्रण रखता है। ऐसे ही हम इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। ये इंद्रियां मन के द्वारा संचालित होती हैं, और मन बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि आत्मा के प्रकाश से। तो शरीर पर जिसे कंट्रोल करना है इंद्रियों पर, उसे अपने मन को सबल बनाना चाहिए, और जिसे बुद्धि का प्रयोग करना है वो मन पर कंट्रोल रखे, वे अपनी आत्मा से जुड़े। तो इंद्रियां कंट्रोल आती हैं मन के ऊपर, मन कंट्रोल में आता है बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि कंट्रोल में आती है आत्मा के द्वारा। तो इंद्रियों पर जिसे कंट्रोल करना है, उसे मन को शक्तिशाली बनाना है, बुद्धि को ताकतवर बनाना है, और आत्मा से ज़्यादा जुड़ना है। इसीलिए भारत देश में आत्मा को बलवान करने के लिए जप, तप, भक्ति, तीर्थ, गुरु ध्यान और गीता, गौ पर ध्यान दिया जाता है। आप गुरु की उपासना कीजिए, आत्मा में ताकत बढ़ेगी। आप गीता का पठन कीजिए, पाठ कीजिए, आत्मा की ताकत बढ़ेगी, बुद्धि खुलेगी। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो बुद्धि योग करेंगे, और बुद्धि योग यानी बुद्धि को जागृत करना। अब देखते हैं, अब कहीं बैठे हैं, आंखें खुली हैं, परंतु मन अगर कहीं और है तो ये समझ लीजिए आंखें खुली होकर भी नहीं देख पाएंगी। आपके सामने से कोई गुजरा, मन यदि किसी और के ख्यालों में है, कोई भी गुजर जाए पता नहीं चलता। चलेगा कैसे? पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान कहीं और था। आप यदि इंडिया में बैठे हैं और ध्यान आपका फ्रांस में है, फ्रांस में कोई रिश्तेदार है,
तो सामने कुछ भी हो जाए, आप इंडिया में नहीं, आप तो फ्रांस में बैठे हैं। आंखें देखते हुए देख नहीं पाती, कान सुनते हुए सुन नहीं पाते, यदि मन वहां नहीं है, यदि कहीं को दुर्घटना हो जाए, आप भाग कर जा रहे हैं अपने रिश्तेदार को बचाने, कोई रास्ते में आकर नमस्ते करे, आपको कुछ नहीं दिखता। अगले दिन वो व्यक्ति मिले और बोले कि आप कल भाग रहे थे, रास्ते में मैंने नमस्ते करी, आपने जवाब नहीं दिया, सब कुछ ठीक तो है घर में? तो व्यक्ति हैरान हो जाएगा कि आप कब मिले, मुझे तो दिखाई नहीं दिए, मैं इतना व्यस्त था भागने में, मुझे तो नहीं लगा कि आप मेरे सामने आए। तो व्यक्ति हैरान होता है कि अरे मैंने नमस्ते की थी, आपने देखा भी, फिर भी आप कहते हैं नहीं देखा। तो आंखें देखते हुए भी नहीं देखती, कान सुनते हुए भी नहीं सुनते, यदि मन वहां नहीं, जहां मन वहीं इंद्रियां जाएंगी, आपको जो अच्छा लगता है ना, आपका शरीर वहीं चला जाएगा, खिंच के जाता है, जैसे कोई अट्रैक्ट कर रहा है आपको, और जो बुरा लगता है उसके पास नहीं बैठते आप, मन ही नहीं मिलता तो कैसे बैठेंगे, ना शरीर चाहेगा ना इंद्रिय, नहीं जाएंगे। मन नहीं जहां लगता वहां शरीर नहीं जाता, और जहां मन लगता है शरीर जाता है, परंतु मन से ज्यादा बुद्धि की ताकत है, मन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुद्धि है, जो निर्णय देती है, जो बताती है कहाँ जाना है। जब मन के तल पे होंगे तो किंतु परंतु, बुद्धि के तल पे होंगे तो सही डिसीजन, बुद्धि पर आइए। होता क्या है, मन जो चाहता है वही करना है, और बुद्धि जस्टिफिकेशन देती है। आपको जो खाना है अब वही खाएंगे, मन कर रहा है तो बुद्धि से क्या लॉजिक देंगे, कभी कभी तो चलता है, कभी कभी गलत खा लेना चाहिए। हमने बुद्धि को जस्टिफिकेशन के लिए बना दिया, तर्क के लिए, कि बस तर्क दे दे, सहारा दे दे, जो मन मर्जी हो हम बस करते जाएं, मन की मर्जी के हिसाब से जिंदगी चल रही है। होना यह चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति बुद्धि के अनुसार जिंदगी जीता है, ना कि मन के अनुसार, क्योंकि मन तो बदलेगा, कभी आज मन है आइसक्रीम का तो कल मन है चॉकलेट का, अगले दिन मन है किसी और चीज को खाने का, मन बदलता रहेगा। बचपन में जो चीज अच्छी लगती थी अब नहीं लगती, अब जो अच्छी लग रही है कोई जरूरी नहीं आगे लगेगी, मन बदलता रहता है। तो इसीलिए गीता कहती है कि शरीर से ज्यादा ताकत है मन में, और मन से ज्यादा ताकत बुद्धि में, और बुद्धि से भी ज्यादा ताकत है आत्मा में। आप देखते हैं कि जब आप सो रहे हैं, सो के जब उठते हैं, तो कौन कहता है कि नींद बड़ी अच्छी आई, हमारी बुद्धि कहती है। तो बुद्धि मन से ज्यादा ताकतवर। तो आध्यात्मिक व्यक्ति उल्टा काम नहीं करता, वह शरीर को कंट्रोल रखता है मन से, मन को कंट्रोल करता है बुद्धि से, और बुद्धि को नियंत्रित करता है परमात्मा की शक्ति से, आत्मा की शक्ति से। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, जहां सेंसेस ले जाएंगी, आज यह खाना है, आज यह सूंघना है, आज यह सुनना है, आज इसके साथ समय बिताना है, जो सेंसेस ने चाहा, मन ने स्टैंप लगा दी, मन भी चल पड़ा, बुद्धि ने स्टैंप लगा दी, तर्क दे दिया कि ठीक ही है, और हम चल पड़े, क्या होगा, इससे हम अपना नाश करते हैं। होना क्या चाहिए कि हमारा शरीर वो करे जो मन ने आज्ञा दी, और मन वो करे जो बुद्धि ने आज्ञा दी, और बुद्धि वो करे जो आपकी आत्मा कहती है सही है, जो सही है वही कीजिए, आत्मा के हिसाब से चलिए, परमात्मा के हिसाब से चलिए। जो ऐसे करता है वो सही मायने में आध्यात्मिक व्यक्ति है।